अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो हम कर रहे थे ट्रेकियोस्टमी, जिसमें मैंने आपको बता दी थी कि उसका जनरल प्रोसीजर क्या है और टाइप्स क्या है। ठीक है, सब कुछ एसीक्यू में आते हैं इसलिए बहुत अच्छे से करना है। और अब हम करेंगे पोस्ट ऑप केयर ट्रेकियोस्टमी के बाद क्या होती है, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है बिकॉज ऑफ ये कि पोस्ट ऑप केयर अगर ना दीजिए तो आपकी ट्रेकियोस्टमी जो है वो तो फेल हुई हुई बंदा भी चला जाता है हाथ से, बिकॉज ज़ाहिर है वो उस वक्त सांस लेने के लिए ट्रेकियोस्टमी ट्यूब पर डिपेंड कर रहा होता है और वही ख़राब हो जाए तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट कैन नॉट रिस्पायर। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, आपने याद रखना कि हम ट्रेकियोस्टमी में क्या क्या चीज़ें चेंज करें पेशेंट के, तो जाहिर सी बात है हमें उन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि लेरिंग्स के वॉइस बॉक्स से पेशेंट की आवाज़ थी, जब से उसने ट्रेकियोस्टमी कराई है ज़ाहिर है वो बोल नहीं सकता कि उसका लैरिंग्स निकल गया बीच में से, अब उसके एयर वे में लैरिंग्स नहीं है, तो जाहिर है उसकी आवाज़ जो है वो या तो बहुत शदीद होर्स होगी जिसका लैरिंग्स है, और जिसका लैरिंग्स है ही नहीं, लैरिंगेक्टमी हुई है, वो बिल्कुल नहीं बोल सकता। तो आपने पेशेंट की ख्याल इसलिए अटेंडेंट और कुछ नर्स का किसी चीज़ का बंदे का जरूर होना जरूरी है, ताकि देखे शुरू के टाइम में कहीं ट्यूब ब्लॉक तो नहीं हो रही, कहीं हेमरेज तो नहीं हो रहा ट्यूब से, कहीं वो डिस्प्लेस तो नहीं हो गई। ये सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि पेशेंट खुद नहीं बोल पाएगा, तो उसके पास या तो एक बेल होनी चाहिए पेशेंट के पास, या पेपर पेन होना चाहिए लिखने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, और साथ एक बंदे का सुपरवाइज के लिए करना जरूरी है। दूसरी चीज़ जाहिर सी बात है कि हमारा ट्रेकिया से जितनी भी सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती थी पहले, वो जब भी वो ज़रूरत से ज़्यादा होती थी या कोई भी फॉरेन बॉडी आती थी वो फौरी तौर पे कफ से बाहर निकल जाती थी। अब पेशेंट कफ भी नहीं कर सकता सही से बिकॉज ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब पड़ी हुई है, तो इसलिए जो भी सिक्रीशंस एक्स्ट्रा हैं उनको सक्शन से रिमूव करना बार बार ज़रूरी है। और सक्शन करते हुए भी ये ध्यान रखना है कि कहीं आप सक्शन ट्यूब से ट्रेकिया के अंदर का जो म्यूकोज है उसे डैमेज ना करें। ठीक है, ध्यान से सक्शन करनी है और ये पोस्ट ऑप केयर में शामिल है कि सक्शन करनी लाजमी होती है क्योंकि उस वक्त सिक्रीशंस प्रोड्यूस हो रही होती है ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब कोर्स ही बात है कि अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमारे पास जो पहले हम सांस ले रहे थे फ्रॉम माउथ और नोज़, वो सारा का सारा एयर नाक में भी पहले ह्यूमिडिफाई हो जाती है। आपको पता है कि नाक में भी ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर ऐड हो जाता है, और अगर आप मुंह से सांस लेते हैं मतलब माउथ के जरिए, तो भी वो आपके पहले फेरिंग्स में जाती है फिर लैरिंग्स में जाती है, तो किस ना कुछ हद तक एयर की ह्यूमिडिफिकेशन हो जाती है अंदर तक जाते हुए। अब जो आप एयर ले रहे हैं वो ना नाक से आ रही है ना मुँह से आ रही है, वो डायरेक्ट आपकी ट्रेकिया से अंदर जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होगा। तो हमें पेशेंट का बहुत ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो एयर अंदर जा रही है वो खुश्क एयर होने की वजह से उसके ट्रेकिया में क्रस्टिंग करने जग दे, उसकी ट्रेकिया को खुश्क कर दे, तो पेशेंट की क्रस्टिंग को अंदर जो हो सकती है और क्रस्टिंग की वजह से जो उसके सुपरसेडेड इन्फ्लेमेशन हो सकती है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने बहुत ध्यान रखना होता है कि हम एयर को ह्यूमिडिफाई करें। तो ह्यूमिडिफिकेशन के लिए हमें या तो कोई बॉयलिंग चीज़ जो है वो उसके रूम में रखनी है जिसका पेशेंट की ट्रेकियोस्टोमी हुई हुई है, या फिर पेशेंट को नेबुलाइजर से एयर देनी है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे उसकी क्रस्टिंग ना हो। और अगर क्रस्टिंग हो जाएगी तो फिर हमें उसको रिमूव करने के लिए आपको थोड़े से ड्रॉप्स नॉर्मल सेलाइन के ऐड करने होते हैं, या तो उसकी मतलब ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के जरिए, या फिर कोई म्यूकोलिटिक एजेंट डालना होता है जो कि उसके थिक जो सिक्रीशन है जो थिक क्रस्ट है उनको लूज करके रिमूव कर सके, वरना बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है जाहिर सी बात है अपनी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डाली हुई है उसका ख्याल रखना इसलिए जरूरी है, उसकी सफाई का भी और उसके ब्लॉकेज का भी, कि कहीं ऐसा ना वो गलती से किसी आपकी जो सिक्रीशन है उसे ब्लॉक हो जाए और पेशेंट का सांस लेना बंद हो जाए। उसमें आपके पास दो तरह की ट्यूब्स होती है ना, एक आप जो अंदर की तरफ डाल देते हैं मतलब जो इनर ट्रैक में डली हुई होती है वो होती है, और एक बाहर से जो कनेक्टेड होती है। जो बाहर से कनेक्टेड होती है वो तो आपने चेंज करनी है शुरू के 2-3 दिन में, लेकिन अंदर वाली को आपने शुरू में डिस्प्लेस नहीं करना होता, वो इस वजह से नहीं करना होता कि ताकि एक रास्ता पक्का बन जाए ताकि फिर पेशेंट को उसके बाद जब भी रिमूव करें ना तो रिमूव करने में आसानी हो। अच्छा, एक को हम कहते हैं इनर कैनेला और दूसरे को आउटर कैनेला। अब एक बात याद रखना, आप जब डायग्राम्स देखेंगे ना ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक होती है कफ्ड और एक नॉन कफ होती है। एक में आपको लिखा हुआ कभी किसी डायग्राम में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जो अंदर डाली हुई है हमने मतलब जो आपकी ट्रेकिया के अंदर गई हुई है ये इनर कैनेला है, और जो बाहर है जो स्टम्प के साथ छोटा सा लगा हुआ है वो आउटर कैनेला है। ठीक है, कुछ डायग्राम्स आप देखेंगे उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये जो अंदर वाला है ये उन्हें आउटर लिखा हुआ है और बाहर वाले को इनर लिखा हुआ है। याद रखना है आपने कि बेसिकली ना मतलब ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की बहुत सारी टाइप्स हैं, कफ्ड है, नॉन कफ्ड है, डिस्पोजेबल कैनेला है, नॉन डिस्पोजेबल कैनेला है, ये इस तरह की डिफरेंट टाइप्स हैं, उसकी वजह से ना नाम में थोड़ा बहुत चेंज आ जाते हैं। लेकिन जो जनरली हम कहते हैं ना, मतलब मैं आपको एक जनरल आउटलाइन दे दूँ कि जो अंदर वाली ट्यूब है जो अंदर ट्रेकिया के अंदर गई हुई होती है उसको आपने शुरू के 2-3 दिन नहीं छेड़ना होता, उसके ये ज़रूर ध्यान रखना होता है कि वो सारी ब्लॉक ना हुई हुई हो, मतलब पेशेंट सांस से ही ले रही है, लेकिन उसे निकाल के रिमूव नहीं करना होता ताकि एक रास्ता अच्छा सा बन जाए। बाहर वाली को आपने चेंज कर लेना होता है, सफाई उसकी कर लेनी होती है, और बेशक उसे रिमूव करके चेंज भी कर लें, लेकिन अंदर वाली को शुरू में नहीं छेड़ना, फिर 3-4 दिन बाद जाहिर आपको रिमूव करके उसे भी साफ करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा
उसके बाद आपने डी कैनुलेशन, जब तक पेशेंट को जरूरत है ट्रिकियोस्टोमी की उसे जरूर दें, लेकिन हद से ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऐसी सी बात है कि आपको कोई भी प्रोसीजर जो आपका नॉर्मल प्रोसीजर के अलावा होता है, चाहे वो आई वी कैनुलेशन हो चाहे वो ट्रिकियोस्टोमी हो, वो हमेशा अगर ज़्यादा अर्सा रहेगी तो वो कॉम्प्लिकेशन कॉज करेगी, वो अल्सरेशन बनने लग जाएंगे, पेशेंट का एक स्कार बड़ा होता जाए या फिर हो जाएगा, हो सकता है इससे ऊपर आपका लैरिंग्स और वो क्रिकॉइड कार्टिलेज है, मतलब जाहिर है पड़ा हुआ तो है ना थोड़ा सा दूर ही सही लेकिन है तो सही, हो सकता है वो इन्फेक्ट होने लग जाए, सब ग्लॉटिक स्टीनोसिस होने लग जाए, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाने से पहले ही आपने पेशेंट को डीकैनुलेट कर देना है। और डीकैनुलेशन का क्या तरीका होता है कि आप सबसे पहले ये करते हैं कि आप ट्यूब रिमूव नहीं करते, आप ट्यूब के ल्यूमेन को बंद कर देते हैं, कोई चीज़ डाल के इसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, और 24 आवर्स के लिए आप पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या वो बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि जाहिर आपने जब ट्यूब बंद कर दी तो अब वो पेशेंट अपना नॉर्मल सांस लेगा, और ये आप उन्हीं पेशेंट्स में करते हैं जिनमें आपने टेम्पररी ट्रिकियोस्टोमी की होती है, जाहिर परमानेंट में तो आप कर ही नहीं सकते। अच्छा, तो आप पेशेंट को 24 आवर्स के लिए ऑब्जर्व करते हैं, अगर वो कंफर्टेबल है फिर आप ट्यूब रिमूव करते हैं, और होल अभी भी आपने खुला ही छोड़ना है, वो खुद ब खुद ही बंद होगा, ठीक है, आपने उसके ऊपर सिर्फ टेप लगानी है, खुद से सूचर नहीं करना, और फिर पेशेंट को 24 आवर्स के लिए ऑब्जर्व करना है कि इफ़ ही इज़ फाइन और नॉट, अगर वो आराम से टॉलरेट कर रहा है, कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो आप इसको इसी तरह से चलने देंगे, और आपका जो होल है वो ऊपर बस आप उसको थोड़ी सी टेप वगैरह से रिमूव कवर रखेंगे, कुछ दिन में वो खुद ही बंद हो जाता है, आपको सूचर करने की ज़रूरत ही नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको सूचर लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है स्किन को, तो आप लगा देते हैं, ठीक है, नहीं अगर खुद बंद हो रहा, तो ये डीकैनुलेशन का नॉर्मल तरीका है। बच्चों में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ता है, बच्चों में आप इस तरह नहीं करते, उनमें पहले आप एक छोटी ट्यूब डालते हैं और उनको बाकायदा ओटी में लेके जाके उनको डीकैनुलेट करना होता है, जहाँ पर इंट्यूबेशन की चीज़ें भी मौजूद हों और सब कुछ हो, ठीक है, मतलब बच्चों का थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है, लेकिन इतना कुछ उसमें याद रखने वाली बात नहीं है, बस मेन आपको पता होना चाहिए जो यही है। अच्छा, अब देखते हैं जरा कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं इसकी। जी, तो अब हम करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ट्रिकियोस्टोमी। कॉम्प्लिकेशंस में ना हमने उसको तीन ग्रुप में डिवाइड किया होता है, कि वो कॉम्प्लिकेशंस जो उसी वक्त फॉरन हो सकती हैं ड्यूरिंग डूइंग ट्रिकियोस्टोमी, उन्हें हम कहते हैं इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस। कुछ होती हैं जो आपने सपोज टेम्पररी ट्रिकियोस्टोमी की है तो उसके एक दो दिन के अंदर अंदर या दो चार दिन के अंदर, लेकिन आपको जल्दी ही हुई है, बहुत देर से भी नहीं और फॉरन भी नहीं हुई, तो उन्हें हम इंटरमीडिएट कहते हैं, और आखिर में है हमारी लेट कॉम्प्लिकेशंस जो कि आपको आफ्टर अ टाइम डेवलप होती हैं। अब आप खुद अपने जहन में जरा सा अगर सोचें कि एक सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, एक सर्जरी करते हुए, मतलब छोटा सा माइनर सर्जिकल ऑपरेशन ही हुआ ना ट्रिकियोस्टोमी, उसको करते हुए क्या क्या कॉम्प्लिकेशन या क्या क्या मसले आ सकते हैं, वो बहुत सिंपली आपके जहन में खुद ही आ जाएंगे, कि जाहिर सी बात है हम ट्रेकिया के अंदर सुराख करें तो सबसे पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि हम ट्रेकिया के आसपास के स्ट्रक्चर्स को डैमेज कर सकते हैं, आसपास वेसल्स भी हैं, आसपास नर्व्स भी हैं, मसल डैमेज भी हो सकता है, लेकिन मसल डैमेज पे भी उतना सवेयर इफेक्ट शायद ना दे, लेकिन अगर आप यहाँ पर चलती हुई या आपके ट्रेकिया के साथ चलती हुई रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स को डैमेज कर दें या किसी मेजर वेसल को डैमेज कर दें, तो एक तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की वजह से आपका बहुत ज़्यादा होर्सनेस हो जाएगी, आपका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा बहुत जगह पे, और अगर आप किसी वेसल को डैमेज कर देते हैं हेमरेज हो जाएगा, हो सकता है आपने ट्रेकिया में सुराख करना है, आप गलती से ट्रेकिया से पीछे चले गए, आपकी नाइफ गलती से ज़्यादा पीछे चलेगी और आपने ट्रेकिया के पीछे इसोफेगस पड़ा हुआ है, ये ट्रेकिया आगे हो तो उसके पीछे इसोफेगस की ट्यूब होती है, आपने उसको भी डैमेज कर दिया, तो जाहिर है फिर आपका ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला बन सकता है और इसोफेगस तक बात चली गई है, ट्रेकिया की डबल वॉल डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो ये इसकी वो कॉम्प्लिकेशन जो इमीडिएट हो सकती है, ठीक है, कि आपने कुछ भी आसपास का चीज़ डैमेज कर दी, या फिर हो सकता है कि आपने ब्लड इतना ज़्यादा आपसे कोई वेसल कट की लूज़ हो गया कि वो ब्लड पेशेंट ने ट्रेकिया के थ्रू एस्पिरेट कर लिए, लंग्स में चला गया, ये भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और एक जो बहुत इसकी ना डिफरेंट सी कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि पेशेंट को हो जाता है एपनिया, एपनिया का मतलब है कि उसे बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग हो जाती है, ठीक है, वो क्यों होती है, अब होता है कि जिस पेशेंट को हमने ट्रिकियोस्टोमी कर रहे हैं, यकीनी तौर पे अगर उसकी ट्रिकियोस्टोमी हमारे पास हम किसी प्रोफाइलैक्टिक मेजर के लिए नहीं कर रहे, ठीक है, कुछ होती है ना प्रोफाइलैक्टिकली हम करते हैं, यानी अभी कोई मसला नहीं है पेशेंट को लेकिन आगे हो सकता है इसलिए हम करते हैं, नॉर्मली ये होता है कि ट्रिकियोस्टोमी हम तब कर रहे होते हैं जब पेशेंट को कोई ना कोई रेस्पिरेटरी मसला होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी इशू चल रहा होता है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे पेशेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, हम ब्लड गैसेस करते हैं तो हमें ऐसा ही मिलता है, क्योंकि जाहिर है उसे कोई रेस्पिरेटरी इशू था कहीं पर भी था, जैसे ट्रिकियोस्टोमी हम करें तो जाहिर है कि उसकी एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन ठीक नहीं हो रही और उसकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा और ऑक्सीजन कम है, और ये जो इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड होता है ना, ये ब्लड से जाता है ट्रेवल करके आपके ब्रेन में और ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथिंग करे, रेस्पिरेशन करे,
ताकि ब्रीथिंग का मतलब है कि जो वेंटिलेटर जो आपका मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है ना, कि आपका लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं और एयर इन एंड एयर आउट हो रहे हैं, वो ब्रीथिंग है। तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब भी ब्लड में ज़्यादा होगा तो वो ब्रेन में जाके आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को मैसेज देता है कि ब्रीदिंग के प्रोसेस को इंक्रीज किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आ सके। अब अगर पेशेंट को कोई इशू चल रहा था और उसको ये मैसेज उसके ब्रेन को मिल रहा था, अब क्या हुआ कि जब हमने ट्रेकियोस्टोमी कर दी, अचानक से एकदम से एयर उसके पास जो एयर वेज में ज़्यादा सारी चली जाएगी थ्रू द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, और उसकी बॉडी में थोड़ी देर में ऑक्सीजन का लेवल थोड़ी देर भी नहीं बल्कि सेकेंड्स लगते हैं और ऑक्सीजन का लेवल उसकी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। ये जो ऑक्सीजन का लेवल उसकी बॉडी में इंक्रीज होता है ना उसके ब्लड में, ये फौरी तौर पर जाहिर है अब कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टिमुलेट कर रहा था वो ख़त्म हो गया, ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया। जैसे ही ऑक्सीजन इंक्रीज होता है तो आपका जो स्टिमुलेटरी मैकेनिज्म था ना, जो कि स्टिमुलेट कर रहा था ब्रीदिंग को, वो स्टॉप हो जाता है। तो फौरी तौर पे आपकी बॉडी एपनिया की कंडीशन में जा सकती है, यानी कि एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग की कंडीशन में जा सकती है, जो कि पेशेंट की डेथ भी कर सकती है। तो ऐसे में हमने क्या करना होता है कि जब हमें पता हो कि पेशेंट बहुत लंबे अरसे से इसी कंडीशन के साथ चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ज़्यादा है उसकी बॉडी में, और हमें पता है कि जब फौरन हम ट्रेकियोस्टोमी करेंगे तो हो सकता है कि ऑक्सीजन का लेवल एपनिया कर दे, तो हम पहले ही पेशेंट को ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब से ही ऐसी एयर उसके अंदर एंटर करते हैं विच इज़ 5% कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सड विद ऑक्सीजन। मतलब आपको ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स देते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो और बिल्कुल फिर वो ऑक्सीजन पे आ जाए। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जो आपसे वाइवा में पूछते होते हैं, तो आपने याद रखना है ये इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस में आती है। अब खुद सोचें कि 2-3 दिन बाद क्या क्या हो सकता है। ट्यूब एक आपने गले में डाल दी है और अब उसमें कोई भी मसला हो सकता है 2-3 दिन में। सबसे पहले आपके जहन में आता है कि ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। ठीक है, ब्लॉक क्यों हो सकती है? सिक्रीशन से ब्लॉक हो सकती है, हो सकता है बाहर से कुछ चीज़ आके फंस जाए, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई कंटेमिनेंट हो सकता है, कुछ हो सकता है, आपकी ट्यूब ब्लॉक हो सकती है 2-3 दिन में। फिर ट्यूब है डिस्प्लेस हो सकती है, जाहिर सी बात है, हो सकता है कि पेशेंट की ट्यूब भी डिस्प्लेस हो जाए, अपनी जगह पर ही ना रहे। उसके अलावा अगर आपने कोई ऐसी वेसल डैमेज हो गई थी जो कि बहुत माइनर थी, पता नहीं चला, हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत हेमरेज हो रहा हो अंदर ही अंदर, पता नहीं चला आपको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हो सकता है कि आपका जो ट्यूब है उसमें आपने ह्यूमिडिफिकेशन अगर मेंटेन नहीं की तो पेशेंट को क्रस्टिंग हो जाएगी। क्रस्टिंग की वजह से, मैंने आपको जैसे अभी बताया, क्रस्टिंग की वजह से पेशेंट को ट्रेकियाइटिस, ट्रेकिया की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। सिर्फ ट्रेकिया की नहीं बल्कि ट्रेकियोब्रोंकाइटिस हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपने सारे जो प्रोसीजर किया है उसमें आपने अच्छी तरह स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं की, स्टेराइल चीज़ें नहीं ली थी, स्टेरिलाइजेशन का ख्याल नहीं रखा था, स्टेरिलाइज चीज़ें नहीं ली थी, तो उसमें क्या होगा कि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो सकता है जो आपने उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ज़ाहिर वो 2-3 दिन में प्रेजेंट करेगा। तो ये सारी होती है इंटरमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस। उसके बाद आते हैं हम थोड़ा सा लेट कॉम्प्लिकेशंस पे। लेट कॉम्प्लिकेशंस में आपके पास बहुत अरसे बाद जो है ना, हो सकता है कि पेशेंट, सपोज जो परमानेंट ट्रेकियोस्टोमी के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये अक्सर होता है कि आपका लेरिंजियल स्टेनोसिस हो जाए, सबग्लॉटिक हेमाटोमा हो जाए या कोई फिस्चुला बन जाए। तो ये सारी की सारी ना लेट कॉम्प्लिकेशन है। किस तरह से आपका स्टेनोसिस हो सकता है, बहुत अरसे तक ट्रेकिया में आपने सांस लेने का मामला रखा हुआ है, लैरिंग्स अगर प्रेजेंट है तो वो इस्तेमाल नहीं होगा तो ज़ाहिर वो स्टिनोटिक हो जाएगा। हो सकता है आपका ट्रेकियल स्टिनोसिस हो जाए बिकॉज आपके ट्रेकिया में सुराख बहुत लंबे ऐसे तक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ये सारे हो सकते हैं। कोई और फिस्चुला बन सकता है, डीकैनलेशन करते हुए इशूज़ हो सकते हैं। तो ये लेट इशूज़ हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके इमीजिएट और इंटरमीडिएट हैं जो कि अक्सर होते हैं बिकॉज मोस्ट कॉमनली आपको ये इशूज़ देखने पड़ते हैं। यहाँ पर बात खत्म करती है, तो कोई मसला हो ही के नासमी। थैंक यू।